हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम करने जा रहे हैं थॉमसन मॉडल। ठीक है, ये एटम चैप्टर का सेकंड लेक्चर है हमारा। ठीक है, थॉमसन मॉडल जो है वो जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जे थॉमसन मॉडल प्रपोज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका साइज जो है वो एटम के कंपैरेटिवली छोटा है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से इमिट हो रहा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए एटम का। इसलिए उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जिसे हम थॉमसन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक है, मॉडल का बेसिक आइडिया क्या था वो हम जानते हैं। ये जो मॉडल था वो जस्ट एक इमेजिनेशन थी। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ठीक है, कि मॉडल ऐसा होगा। ठीक है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये जे थॉमसन की एक इमेजिनेशन थी। ठीक है, ये जो इमेजिनेशन है वो न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करती है। सो ये एटम की न्यूट्रलिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सो जे थॉमसन ने क्या सोचा कि अगर एटम का साइज जो है, सॉरी, एटम का साइज जो है वो 10 × 10 मीटर के ऑर्डर में है। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है तो एटम न्यूट्रल कैसे हो सकता है? ठीक है, तो हमें पता है अगर नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव से क्लब कर दिया जाए, ठीक है, तो जो पार्टिकल बनता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, तो हमारे पास जो बचता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव स्फेयर में है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का एक स्फेयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिव चार्ज जो है, इम्बेडेड है डिफरेंट पोजीशंस पे, जैसे आपका वाटरमेलन होता है। ठीक है, वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव स्फेयर मान सकते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम उनके सीड्स मान सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसे। सो ये मॉडल जो है न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन करता है, बट काफी अदर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो उसकी लिमिटेशंस हैं। सो फर्स्ट लिमिटेशन जो है वो स्टेबिलिटी है। ये मॉडल जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, द ऑपोजिट चार्जेस है ना, तो इट मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर। अगर पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ये कोलाइड क्यों नहीं करते? ठीक है, कोलाइड करके इनको एनर्जी इमिट कर देनी चाहिए और एटम एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता और ये रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेकंड इसकी लिमिटेशन है स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ठीक है, ये जो इमेजिनेशनल मॉडल है वो स्पेक्ट्रा ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो स्पेक्ट्रा क्या है वो हम पहले जान लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, तो अगर मैं व्हाइट लाइट पास करवाता हूं यहां से, ठीक है, तो ये कुछ कलर्स अब्सॉर्ब कर लेगी। ठीक है, जो गैस है वो कुछ कलर्स अब्सॉर्ब कर लेगी, ये पूरी लाइट अब्सॉर्ब कर लेगी। ठीक है, जो बाकी हमारे पास कलर्स आएंगे उन्हें हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, जब मैं व्हाइट लाइट पास करवाता हूं तो
आपको पता है स्टार्टिंग फ्रॉम सेवन कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट में, विद गो ठीक है वॉयलेट टू रेड. तो यहां पे कुछ डिस्क्रीट एनर्जीज की लाइट जो है वो मिसिंग पाई जाती है, ठीक है. बाकी सारा है वॉयलेट है, ब्लू है, ठीक है. रेड की कुछ शेड्स मिसिंग होती हैं, ब्लू की कुछ शेड्स मिसिंग होती हैं, ठीक है. वॉयलेट की कुछ शेड मिसिंग होती हैं, ठीक है. बाकी सारा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस है, बट कुछ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जीज जो है वो मिसिंग है, ठीक है. बट थॉमसन मॉडल की बात की जाए तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, ठीक है. तो अगर मैं व्हाइट लाइट डालूं तो इलेक्ट्रॉन कैन अब्सॉर्ब एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके. सो सारी व्हाइट लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लेनी चाहिए और मेरे पास यहां पे ब्लैक मींस नो लाइट, ठीक है. मेरे पास यहां पे कोई लाइट आनी नहीं चाहिए, ठीक है. बट यहां पे हाइड्रोजन एटम्स अगर हम लेते हैं तो लाइट आती है, बट कुछ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहां से गायब है. इट मींस जो एटम है वो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जीज ही लेता है, अब्सॉर्ब करता है और बाकी नहीं लेता, ठीक है. इट मींस कॉन्टिन्यूस अमाउंट ऑफ एनर्जीज एटम नहीं ले सकता, ठीक है. सो दिस मॉडल कांट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, सो इट इज रिजेक्टेड. सो आगे हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, जो थॉमसन मॉडल की ही एक्सटेंशन है, ठीक है.